हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज एक चलन में वीडियो है, काफ़ी लोगों ने इसको देखा है। 95% डिस्काउंट में मिल रहा है शेयर, उठा लो करोड़पति हो जाओगे, संदीप जैन मल्टी बैगर स्टॉक। तो मिस्टर संदीप जैन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मल्टी बैगर स्टॉक है तो आपने तो भर लिए होंगे ये स्टॉक अपनी झोली के अंदर, और या फिर आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए टीवी के चैनल पर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं आपसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ़ उल्लू मत बनाओ, क्योंकि आप भले ही आप पैसा कमा लो लेकिन सुकून और संतुष्टि आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि इस स्टॉक को खरीदने वाले जो लोग जब बर्बाद होंगे और जब आपको कोसेंगे और बोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है गलत चीज़ों को सजेस्ट करना या लोगों को बताना। एक ऐसा रद्दी स्टॉक, एक ऐसा घटिया स्टॉक जो कि आप 95% डिस्काउंट के नाम पर सजेस्ट कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपकी काबिलियत को देखते हुए। किस बिहाव पे आप इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं? आप 95% डिस्काउंट का नाम क्यों ले रहे हैं? आप जानते हैं ये स्टॉक का जो प्राइस था 400 रुपीज़, वो कब था? 2007 के अंदर, 2007 दिसंबर में ये स्टॉक 400 रुपीज़ पर ट्रेड करता था। फिलहाल 32 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप जो 95% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं वो लगभग आज से 11 साल पहले की बात कर रहे हैं, और आगे 11 साल के बाद भी इसका क्या फ्यूचर है वो आपको पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग इतने बड़े बड़े टाइटल्स के साथ सजेशंस देते हैं कि भैया 95% डिस्काउंट पे मिल रहा है, खरीद लो हैं करोड़पति बन जाओ। और दूसरी चीज़, जो लोग जो यूट्यूब चैनल्स इस तरह के स्टॉक्स को सजेस्ट करते हैं कट पेस्ट करके, ऊपर से टाइटल डालते हैं 95% डिस्काउंट में मिल रहा है शेयर, उठा लो करोड़पति हो जाओगे। करोड़पति का तो पता नहीं, लेकिन रोड़पति जरूर हो जाएंगे जो भी लोग इस शेयर को खरीदने वाले हैं। कौन सा शेयर, मैं बात करूंगा इसके बारे में, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप देखते हैं आपका फ़ायदा, नहीं देखते हैं तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए जो संदीप जैन ने बताया है, और हो सकता है शायद आप खरीद लें, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलिए शुरुआत करते हैं, और स्टॉक का नाम कोई और नहीं है, मैकडबल होल्डिंग है। अब मैकडबल होल्डिंग जो स्टॉक है, इसका चार्ट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे की हम लोग बात करेंगे डिटेल में। ये स्टॉक लगभग 17 दिसंबर 2007 के आसपास 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, और उसके बाद ये कभी भी पिछले 11 साल में ऊपर उठा ही नहीं। बीच में ज़रूर ये 16 मार्च 2009 को ये 32 रुपए पहुंचा था, और वहां तक 32 पहुंचने के बाद ज़रूर इसने अगस्त 10 में 190 का लेवल टच किया, बट उसके बाद इस स्टॉक ने कभी भी अपसाइड का मोमेंटम शो नहीं किया। ये कंटिन्यूस गिरता चला गया, पिछले 8 साल पे स्टॉक गिरते गिरते आप देखेंगे 32 रुपीज़ पे स्टॉक आ चुका है। लगभग आज अगर मैं बात करूँगा 10% का अपर सर्किट दिया हुआ है, बट 10% ये आप एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ स्टॉक। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि आप करोड़पति बन जाएंगे, तो आप भूल जाइए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़े ट्रैप में फंसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्यों आपका ये ट्रैप है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि मैकडबल होल्डिंग कंपनी का जो कर्ता धरता है, जो मालिक है, वो कौन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, मैकडबल होल्डिंग कंपनी का जो कर्ता धरता और जो मालिक है वो कोई और नहीं है, विजय माल्या है। विजय माल्या बहुत सारी न्यूज़ में अभी चल रहा है, किंगफिशर एयरलाइंस आपको पता है बंद हो चुकी है ऑलरेडी, कुछ नहीं हुआ विजय माल्या ने, कुछ नहीं, बिकॉज वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है, उसको तो केवल पैसे से एंजॉय करना आता है, पब्लिक का पैसा खाया भाग गया, इंटरनेशनल लेवल पे भी घूम रहा है, ठीक है, सरकार को ठेंगा दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब सरकार को जो ठेंगा दिखा सकता है, तो उसके लिए जो निवेशक है, और वो भी छोटा रिटेल निवेशक, वो क्या मायने रखता है? वो कोई मायने रखता। तो आप ये भूल जाइए कि आपके पैसे के लिए कुछ करने वाला है ये। इसके पास खुद केवल 2 शेयर्स हैं विजय माल्या के पास, और इसकी जो यूनाइटेड ब्रिवरीज की होल्डिंग्स हैं वो केवल 2.27% है, जो कि लास्ट ईयर 17.99% की होल्डिंग थी। 17.99% की होल्डिंग लास्ट ईयर थी, और अब की बार केवल 2.27% की होल्डिंग रह गई। तो जो बाकी होल्डिंग थी वो कहाँ गई? तो दोस्तों, जो बाकी होल्डिंग्स थी वो होल्डिंग्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हथियार ली, यानी कि उनको आप कह लीजिए कि कब्जा कर लिया, बिकॉज ये भाग गया है, जब्त कर ली है। और फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ द एनफोर्समेंट,
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास लगभग 15.73% स्टेट स्टेक आ चुका है, ईडी ने जब्त कर लिया, क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रहा है। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है न्यूज़ में तो आप सुनिएगा, इस वक्त फिलहाल जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट्स या जो कंपनीज के शेयर्स हैं, उन सभी पर ईडी की कड़ी नज़र है और ईडी धीरे धीरे उनको जब्त कर रहा है। तो फिलहाल ईडी ने लगभग 15.5 या 16% का स्टेक जब्त कर लिया है मैकडॉवेल होल्डिंग के अंदर। और इस वक्त जब ईडी जब्त कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की स्थिति बद से बदतर है, कोई सेल नहीं है कंपनी की, कोई प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, किसी भी तरह से कंपनी कभी भी बंद होने वाली है। ईडी एसेट सेल करेगा, अपना पैसा निकाल लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अपना पैसा निकालना है। रेस्ट जो पब्लिक है, जिसके पास लगभग 54% का स्टेक है, उसके पैसे का क्या होने वाला है, उसको कैसे पैसा मिलेगा कोई नहीं जानता। सरकार भी जवाब नहीं देगी, क्यों? शेयर आपने खरीदा था, सरकार से पूछ के नहीं खरीदा था, सरकार भी एक निवेशक है। तो सरकार का जो 16% का 17% का जो भी 15% 16% का स्टेक है, वो क्या करेगी, जो भी जब्त की प्रॉपर्टी उसको सेल करेगी और उसकी रिकवरी कर लेगी। लेकिन जो पब्लिक है, स्टॉक क्या हो जाएगा, डीलिस्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगी कंपनी। जैसे किंगफिशर हो गई, किंगफिशर में जिन लोगों का निवेश था वो स्टिल निवेश ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। सेम मैकडॉवेल होल्डिंग के साथ भी होगा, लगभग 16% का स्टेक सरकार का है, ये रिकवरी कर लेगी एसेट सेल करके या जो भी प्रॉपर्टी जब्त करके। बट जो रेस्ट होल्डिंग्स हैं 54% पब्लिक की, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ये आप लिख के रख लीजिए। फिलहाल जितनी जल्दी हो सके आप इस स्टॉक से, अगर आपकी होल्डिंग से निकल जाइएगा तेजी पर, जब भी आपको तेजी मिले सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। नो फ्रेश बाइंग, किसी भी तरह से फ्रेश एंट्री की पोजीशन नहीं है। और आप कभी भी जो टाइटल्स हैं 95% डिस्काउंट में मिल रहा है शेयर उठा लो, मैं इस तरह के किसी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो स्टॉक 95% गिर चुका है पिछले 11 साल में, उसने कभी रिकवरी नहीं दिखाई। और अब जिसका खुद मालिक भाग चुका है देश छोड़ गए, उस स्टॉक के साथ किसी भी तरह की मैं सिंपैथी नहीं रखता और ना ही मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आप अगर देखेंगे फाइनेंशियल 2018 के, तो देखिए कंपनी की सेल्स कुछ है नहीं, कंपनी 1 करोड़ की सेल्स डिक्लेयर कर रही है, जहां पर आप 2014 में 12 करोड़ और 2015 में 14 करोड़ कभी सेल्स इनकी बड़ी ही नहीं, गिरती ही चली गई। वही प्रॉफिट है कंपनी को, लगभग 2 करोड़ के आसपास का लॉस हो रहा है कंपनी को, सेल्स है नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, ठीक है। क्वार्टरली नंबर की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी ने कोई सेल्स डिक्लेयर नहीं किया, आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कहाँ से डेटा अवेलेबल होगा, बिकॉज अब कंपनी का मालिक ही अवेलेबल नहीं है, तो डेटा का मतलब ही नहीं उठता, ठीक है। कंपनी डूबती है, डूब जाए, उसको जो पैसा लेना था विजय माल्या को, वो लेके भाग चुका है, फिलहाल लंदन में रह रहा है। अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि लंदन में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कराया जाए, उसके बैंक अकाउंट सील कराए जाए, और लंदन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे अप्रोच कर रहे हैं कि विजय माल्या को इंडिया को सौंपा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्यों? क्योंकि ये कंपनी आपको दूसरी किंगफिशर दिखाई दे सकती है आने वाले समय में। तो गाइज अभी किसी भी तरह से आप जो भी अमरीश बलीगा बैठे हैं, जो भी आपके संदीप जैन बैठे हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हैं और आप समझते हैं कि आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं। आप इन लोगों की अगर बातों में रहेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन क्लाइंट्स के लिए जिनको मैकडॉवेल होल्डिंग के अंदर अपनी होल्डिंग्स को सेल कर रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स जो कि जिनके पास लगभग 54% का स्टेक है, जो बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकलना है। अब वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे ऐसे ही कि स्टॉक को सडनली ऊपर लेके आया जाए इस तरह के न्यूज से, जहां पर जो रिटेल छोटा निवेशक है वो उसके अंदर एंट्री ले लें और इनके क्लाइंट्स को निकलने का हायर लेवल पर मौका मिल जाए दोस्तों, और वहां पर इनकी एक अच्छी इनकम भी हो जाएगी। सो ये पूरा तरीका है CNBC से आवाज़ में इन बड़े बड़े जो सो काइंड एनालिस्ट आते हैं और आप लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं, धोखा देते हैं, तो आप इनसे वीवीआर रहिए, सावधान रहिए। और फिलहाल आप मैकडॉवेल होल्डिंग में किसी भी तरह के निवेश से बचिएगा। साथ ही मैं उन यूट्यूबर्स के लिए भी यही सलाह दूंगा कि दोस्तों देखिए आपने एक अच्छा काम शुरू किया है, उस अच्छे काम को अच्छी ईमानदारी से ही करेंगे, तो अभी फिलहाल हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ी सक्सेस ना मिले, लेकिन एक बार आपका विश्वास, आपका भरोसा कायम हो गया आम जनता का, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके चैनल को चलने से कोई नहीं रोक सकता।
विश्वास ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप इस तरह की कट पेज डाल के उस ऑनेस्टी को ख़त्म कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक तेज़ी आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ मुझे डाउटफुल लग रही है। तो प्लीज़ आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा, इस तरह की कट पेस्ट मत कीजिए। हो सकता है आप उतने अच्छे एनालाइज ना कर पाए, बट कोशिश करते रहेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छे एनालिस्ट बन जाएंगे और आप इनको भी कम्पीट करना शुरू करेंगे जो कि आज टीवी पर बैठ के सो काइंड एक्सपर्ट राइज देते हैं और लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं। खैर, तो दोस्तों ये हमने बात की मैकडबल होल्डिंग के बारे में, और मैं आपसे कहूँगा इस कंपनी से दूर बच के रहिए, ये कंपनी आपका सारा पैसा डुबा सकती है। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, कुछ और वीडियोस को इसी तरह से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या CNBC आवाज़ और जी बिजनेस आपको सही राय दे रहा है या आपके साथ कुछ बड़ा धोखा किया जा रहा है। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मनीट्री के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल CNBC आवाज़ और जी बिजनेस को देख के इस स्टॉक में अपनी गाड़ी कमाई जमा पूंजी लगा देंगे और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ सकते हैं आने वाले समय में, और आप उनको उस डिप्रेशन से बचा सकते हैं, बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।